नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जो आगे चल करके आपको बोनस शेयर दे सकता है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, सर वैसे शेयर बताइए जो आगे आने वाले समय में बोनस शेयर दे सकता है, पीछे वाले क्यों बताते। पीछे वाले हम इस मकसद से बताते हैं कि कौन सा वैसा शेयर है, मतलब कौन सी वैसी कंपनी है जो आपको बोनस शेयर, डिविडेंड, हर चीज देता है ग्रोथ के साथ साथ। तो सबसे पहले आपको ग्रोथ खोजना है, जिस कंपनियों में ग्रोथ होगा वही आपको बोनस देगा, डिविडेंड देगा, हर चीज देगा आपको। तो आपको सबसे पहले अच्छी कंपनी खोजना है जिसका बिजनेस अच्छा हो, जिसका मैनेजमेंट अच्छा हो और जिसके बिजनेस में आगे ग्रोथ हो और प्रोडक्ट जो है मार्केट में लीड करता हो। तो ऐसे ही कंपनियां लेकर के हम आज के इस वीडियो में आए हैं जिसमें ग्रोथ भी है आगे और जो कि पीछे भी अच्छा रिटर्न दिया है और आगे भी इसमें ग्रोथ की काफी पोटेंशियल है और निश्चित रूप से ये आपको आगे चल करके या तो स्टॉक स्प्लिट कर दे या आपको बोनस दे दे। स्टॉक भी स्प्लिट करता है वो आपके लिए बोनस के जैसा ही, आपको फ्री में शेयर मिलेंगे जिस रेशियो में स्टॉक स्प्लिट होगा, अब बोनस भी दे सकता है क्योंकि इस कंपनी के पास इतना रिजर्व है। मतलब रिजर्व कहने का मतलब हुआ कि इतना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, मैनेजमेंट अच्छा हो, बिजनेस में ग्रोथ हो और कंपनी के पास बहुत सारा रिजर्व हो, वो कंपनियां बहुत बेहतरीन होती है क्योंकि वो बहुत सारे सिचुएशन को झेल सकती है, बहुत सारे क्राइसिस को सामना कर सकती है और प्रोडक्ट ऐसा है जिस पे क्राइसिस का, पेंडेमिक का कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ऐसे टॉप क्लास के स्टॉक्स को आप भी जानना चाहते होंगे कि ऐसे बेहतरीन स्टॉक कौन से हैं, तो चलिए इस वीडियो में आपको हम वैसे ही बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में बता रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसके कॉर्पोरेट एक्शन को देख लेते हैं कि ये कब कब डिविडेंड दिया है, कब कब बोर्ड मीटिंग है। तो अभी देख सकते हैं जुलाई 24 को इसका बोर्ड मीटिंग होने वाला है। उसके बाद डिविडेंड देख लेते हैं, डिविडेंड देख लीजिए 2020 में भी 150 और 2019 में 125, 150, 2018 में 120, 2017 में 100%, मतलब ये परसेंटेज वाइज है और फेस वैल्यू इसका 10 है। तो फेस वैल्यू 10 है तो समझ सकते हैं कितना बेहतरीन डिविडेंड दे रहा है। तो इस कंपनी का शेयर का प्राइस भी काफी हाई है। अब उसके बाद बोनस पे चलते हैं, तो बोनस भी देख लीजिए एक बार दिया 1991 में, मतलब उस समय ये सेक्टर अंडर परफॉर्म था, उस समय ये सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा था, इसलिए आपको बहुत काफी समय पहले ये बोनस दिया है। तो आप कहेंगे ये तो कई सालों से, पिछले 30 साल से बोनस दिया ही नहीं है। तो उस समय ये सेक्टर जो है उतना आउट परफॉर्म नहीं था, इंडिया में उतना इसका बड़ा मतलब बूम नहीं आया था। अभी जो है ये सेक्टर पूरी तरह से बूम पे है और ये सेक्टर आगे और भी ज़्यादा ग्रो करने वाली है क्योंकि ये केमिकल सेक्टर से है और केमिकल सेक्टर अभी काफ़ी डिमांड में है इंडिया में। चाइना से जैसे जैसे अन्य देशों के टेंशन बढ़ रहे हैं, ये बिजनेस और भी ज़्यादा इंडिया में बढ़ेगा। तो आपने बोनस देख ले, अभी तक एक ही बार दिया है लेकिन आगे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपको बोनस शेयर देगा या तो स्टॉक स्प्लिट देगा। स्टॉक स्प्लिट पर आप देखिए कोई भी स्टॉक स्प्लिट अभी तक नहीं हुआ है, एक भी बार नहीं। तो आगे प्राइस काफ़ी ओवर वैल्यूड हो चुका है, मतलब प्राइस में काफ़ी ग्रोथ आ चुका है, मतलब कंपनी में भी ग्रोथ आ चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि ये आपको बोनस शेयर दे सकता है क्योंकि इस कंपनी के पास रिजर्व बहुत ज़्यादा है जो कि आपको बैलेंस शीट पर हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले वैल्यूएशन देख लीजिए कंपनी का, तो देखते हैं 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी से अभी मिड कैप कंपनी ये बना है, मात्र स्मॉल कैप से मिड कैप बना है। मतलब आगे जो है ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है इस कंपनी में। पी रेशियो 21 का है, इंडस्ट्री से थोड़ा सा अधिक है, थोड़ा सा अधिक। और बुक वैल्यू देखिए काफ़ी ज़्यादा है, बुक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है और प्राइस टू बुक वैल्यू देखिएगा मात्र 0.90% है, मतलब प्राइस जो है बुक वैल्यू से कम है, मतलब प्राइस जो है बुक वैल्यू से काफ़ी कम है। दस देख सकते हैं 0.90% मात्र है प्राइस बुक वैल्यू का। अर्निंग पर शेयर भी काफ़ी ज़्यादा है, 215 रुपये अर्निंग पर शेयर है। तो ये आपने देख लिया वैल्यूएशन। अब हम इसके फाइनेंशियल को दिखा लेते हैं, कंपनी का प्रॉफिट कैसा है, कंपनी के प्रॉफिट क्या इस पैंडमिक में प्रभावित हुआ है। तो यहाँ पर देख लीजिए कंपनी का सेल्स 1,000 करोड़, 1,040, 1,040, इस तरह से देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा प्रभावित हुआ है सेल्स प्रभावित हुआ तो प्रॉफिट भी प्रभावित होगा। यहाँ पर देखते हैं प्रॉफिट भी प्रभावित हुआ है, 141 करोड़ है जबकि 168 था पिछले क्वार्टर में, उससे पहले क्वार्टर में 200 था, 147 था जून क्वार्टर में और उसके बाद मार्च क्वार्टर में 111 था। तो अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें तो फिर भी इंक्रीज हुआ है लेकिन क्वार्टर क्वार्टर बेसिस थोड़ा सा प्रभावित हुआ है पैंडमिक सिचुएशन के कारण। ये तो फाइनेंशियल हो गया, अब बैलेंस शीट इसका देख लेते हैं। तो देखिए ये बैलेंस शीट है इस कंपनी का, नीचे चलते हैं। तो कंपनी के हमने जैसे रिजर्व की बात किया, 15,000 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास ये 2020 में, 2019 में मात्र 2,600 करोड़ था। इतना बड़ा जंप हुआ है कंपनी के रिजर्व में, तो निश्चित आप समझ सकते हैं कंपनी इस कैश को जब यूज करेगी अपने ग्रोथ में आगे, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में, तो काफ़ी ज़्यादा रिजर्व है। या तो कंपनी आपको बहुत ज़्यादा डिविडेंड दे देगी, स्पेशल डिविडेंड एक बार,
और या तो बोनस शेयर दे देगी या तो कंपनी स्टॉक स्प्लिट कर सकता है कि शेयर थोड़ा सस्ता हो जाए, क्योंकि इसका शेयर जो है अभी 5000 के करीब है, सस्ता शेयर हो जाएगा, छोटे वैल्यू का शेयर हो जाएगा तो ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। डेप्ट कंपनी का बिल्कुल जीरो, एक भी रुपया का डेप्ट नहीं है कंपनी के ऊपर, तो ये भी पॉजिटिव साइन है, कंपनी बिल्कुल डेप्ट फ्री है। कैश और बैंक बैलेंस ज़्यादा नहीं है, 43 है। कंपनी का बुक वैल्यू तो आपने देख ही लिया, काफ़ी बिल्डअप हुआ है बुक वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू काफ़ी देख सकते हैं बढ़ा है। करेंट एसेट ये भी काफ़ी बढ़ा है, देख सकते हैं 3000 करोड़ के आसपास जा चुका है नेट करेंट एसेट। अब बात करते हैं हम डिफरेंट रेशियो, जो हमारा पैरामीटर होता है, जो CAGR है, CAGR जो है आप जरूर देखना चाहिए कंपनी का, तो और साथ साथ रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें देखना चाहिए। तो यहाँ देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी डिक्रीज हुआ है, तो जो रिटर्न इक्विटी है काफ़ी, मतलब जो हमारा ये सिचुएशन अभी का काफ़ी प्रभावित हुआ है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी मतलब डिक्रीज हुआ इस शेयर का 2020 में। उससे पहले देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, 17 का 14 का 12 का 16 का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट ये भी यहाँ पर काफ़ी डिक्रीज हो गया है 2020 में, उससे पहले काफ़ी ज़्यादा था। उसके बाद रिटर्न ऑन एसेट ये भी काफ़ी डिक्रीज हुआ है, नहीं तो पहले देख लीजिए कितना ज़्यादा था, 11 का 10 का 12 का 13 तक जा चुका था, तो काफ़ी मतलब डिक्रीज हुआ है 2020 में। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी कहीं अब तो आगे ग्रोथ पोटेंशियल खो तो नहीं दिया, तो कंपनी पे ये भी ध्यान रखना चाहिए। रिजर्व के साथ साथ आपको सारे फंडामेंटल्स पैरामीटर देखना चाहिए, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस कि कंपनी का प्राइस कौन सा है, जिस प्राइस पे आपको शेयर बाय करना चाहिए, मतलब आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो ये थे सारे फंडामेंटल्स आपने देख लिए। अब हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करें, फिर लेवल्स और टारगेट की बात करें, क्या लेवल्स और टारगेट होना चाहिए आपके इन्वेस्ट करने का शॉर्ट टर्म के लिए, फिर पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के पर्पज से सारी चीज़ें बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम इसके लेवल्स और टारगेट और जो लॉन्ग टर्म की बात करें, तो सबसे पहले कंपनी के बारे में जान लीजिए। कंपनी है अतुल लिमिटेड, ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है, जैसा हमने पहले ही आपको बताया। इसका बिजनेस देख लेते हैं, तो देखिए धीरे धीरे हम नीचे चलते हैं। अतुल इज ए वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड केमिकल कंपनीज ऑफ इंडिया, तो ये केमिकल कंपनीज है इंडिया का, जो कि मतलब सबसे लार्जेस्ट में से एक है, और भी कई लार्जेस्ट कंपनी है जैसे आरती इंडस्ट्री, वो भी अच्छा है। और यहाँ पर देखते जाइए इनके सारे प्रोडक्ट, तो यहाँ पर देख लीजिए आयुर्वेद में यूज होता है, फिर नीचे टायर इंडस्ट्री में इनका यूज होता है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आप कलर्स में यूज होता है, कलर करने में इनके जो केमिकल्स हैं, फिर यहाँ पर देखते हैं कॉर्प में, मतलब जो एग्रोकेमिकल्स है उसमें भी यूज होता है इनका केमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स भी ये बनाते होंगे, मतलब जो एग्रीकल्चर में यूज होता है, फिर जो कॉर्प है, जो हमारा कॉर्प है उसके प्रोटेक्शन में यूज होता है, तो बहुत सारी वैरायटी ऑफ, फिर फार्मास्यूटिकल्स में भी यूज होता है इनका केमिकल्स। उसके बाद है हमारा पॉलीमर्स, परफॉर्मेंस मटेरियल, उसके बाद नीचे चलते हैं तो पॉलीमर्स रिटेल है, तो ये सारे प्रोडक्ट रेंज है अतुल लिमिटेड का, तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। तो आप इसके वेबसाइट पर आइए atul.co.in पर, और कंपनी के बारे में डिटेल में पढ़िए और कंपनी के बारे में एनालिसिस कीजिए, कंपनी का बिजनेस आगे कैसा रहने वाला है। तो अब चलिए हम इसके लेवल्स, टारगेट, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सारी बातें कर लेते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं जीरोधा के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर, यहाँ पर हम लेवल्स और टारगेट्स को जानेंगे। अगर आपने अभी तक जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप जीरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप इंटरडे और ट्रेडिंग के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको स्टॉक्स मिले, शेयर दिया जाए, तो आप एंजल ब्रोकिंग में ओपन कर सकते हैं। वहाँ आपको जो है सारे इंटरडे के लिए, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, पोजिशन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स आपको मिल जाते हैं। तो दोनों का लिंक नीचे दिया गया है, तो आप जिसमें चाहे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेवल्स और टारगेट्स को जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देख लीजिए आप, जो इसका 200 डे का मूविंग एवरेज है, उससे अतुल लिमिटेड का प्राइस जो अभी काफ़ी ऊपर है, क्योंकि जो इसका 200 डे का मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA, वो है 4341 रुपये, और अभी जो इसका करेंट प्राइस है वो है 4633 रुपया, तो उससे काफ़ी ऊपर है ये स्टॉक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका प्राइस। तो यहाँ पर जो है अगर ये ब्रेकआउट देता है ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है, तो इसका जो टारगेट होगा हमारा वो होगा 5000 रुपये का, और नीचे अगर ये फॉल करता है यहाँ से, तो इसका नीचे का जो हमारा प्राइस होगा वो होगा 4100।
तो 4100 नीचे का सपोर्ट लेवल है और ऊपर का जो रेसिस्टेंस है वो है 5000। तो आप इसी रेंज में अभी इसकी उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा चारों तरफ का जो सिचुएशन है वो भी काफ़ी बेहतर नहीं हुआ है। तो हमारा ऊपर का इसका रेंज होगा 5000 का, नीचे का होगा 4100 का। तो अगर नीचे फॉल आता है तो आप नीचे के लिए, मतलब मार्केट के डायरेक्शन को देखते हुए, अगर मार्केट में करेक्शन आता है तभी इसमें भी फॉल होगा, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं हुआ है, कंपनी का बिजनेस भी अच्छा खासा चल रहा है। और यहाँ पर अगर ऊपर की ओर ये ब्रेकआउट देता है तो नेक्स्ट लेवल होगा 5000। तो ये था शॉर्ट टर्म के लिए जो हमारे नीचे का सपोर्ट लेवल है और ऊपर का जो रेसिस्टेंस लेवल है। अब हम आगे हैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म चार्ट को देखेंगे, तो लॉन्ग टर्म चार्ट पे इसका क्या लेवल्स और टारगेट होना चाहिए। तो अतुल लिमिटेड देखते हैं, एक दिन में जो पिछला डे ट्रेड, मतलब आज जो क्लोज हुआ है, 17 points अप है 5 days में। आप इसका देख सकते हैं चार्ट, 5 days में भी ये फ्लैट रहा है, मतलब कुछ खास नहीं है। 1 month में थोड़ा सा रिटर्न दे रहा है आपको, 1 month में देखेगा तो 1 month का रिटर्न है 4%, मतलब 4.42%। 6 month का रिटर्न देखेगा तो 6 month में भी ये लगभग फ्लैट रहा है। फिर ईयर टिल डेट में देखेगा तो ईयर टिल डेट में भी कुछ खास रिटर्न नहीं है। 1 year में देखेगा, 1 year में भी कुछ खास रिटर्न नहीं है, 1 year में थोड़ा सा 21% का रिटर्न है, तो काफ़ी बेहतर है। वहाँ पर देखिए 5 years में कितना बेहतरीन रिटर्न दिया है, 5 years में 270%, तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न। मैक्सिमम ईयर में बात करें तो आप देखिएगा, मैक्सिमम ईयर में तो ये काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है, मैक्सिमम ईयर में इतना बेहतरीन रिटर्न दिया है कि आप देखते रह जाएंगे। देखिए 2020 से हम लेते हैं, 2000 से अभी तक, अगर हम इससे पहले जो पेंडेमिक सिचुएशन से पहले की बात करें तो जो मैक्सिमम प्राइस था 53000% का रिटर्न, 53000% का रिटर्न। इसका मतलब हुआ कि अगर 20,000 रुपया कोई 2020 में इन्वेस्ट किया होता तो उसे 20,000 पे 1 crore का रिटर्न प्राप्त होता। तो इतना बेहतरीन इसका रिटर्न है किसका, अतुल लिमिटेड का। तो समझ सकते हैं कितना बेहतरीन ये स्टॉक्स है, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। तो ऐसे स्टॉक्स जब भी करेक्शन पे मिलता है तो आप ज़रूर इन्वेस्ट करें, तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से। तो निश्चित है ये स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में आपको बोनस शेयर दे सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।